कर देता है, झूठ बोलती है ना, क्या बहुत अच्छी आस है। मलिका मलिका मलिका, ओ मलिका मलिक स्मृति रामनी, आई रियली फील सॉरी फॉर यू हाँ, आफ्टर आई हर्ड योर साइबर हरासमेंट स्टोरी ऑन वेदांत रस्टी एंड फिंग्स चैनल। हाँ, आई रियली एम सॉरी टू हियर दैट ऑल द ट्रॉमा यू हैड टू गो थ्रू। बट पता है फिर मैंने क्या किया, मैंने यूट्यूब पर जाके सर्च की तुम्हारी 3 साल पुरानी कॉन्ट्रोवर्सी के बारे में, और मुझे वहाँ पे जो मिला, जितने भी वीडियोस मिली मुझे तुम्हारे खिलाफ, जितने भी प्रूफ मिले, सर तो तुम्हारी स्टोरी से मैच बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तुमने ये जो टॉक्सिक यूट्यूबर्स है सो कॉल्ड, उनको तो तुमने भाई बहुत अच्छे से यूज़ किया अपने आप को इनोसेंट दिखाने के लिए, व्हेन यू वरंट, जैसे तुमने हम सबको मूर्ख बनाने की कोशिश की। बट डोंट वरी, देर आर पीपल जो मूर्ख नहीं बने, बट अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट यूट्यूबर्स, दे आर जस्ट यूट्यूब यूजर्स, जिनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो यूट्यूब चैनल खोल सके, ना ही मैंने किसी दूसरे यूट्यूबर को इस पर आवाज़ उठाते देखी। तो पता है क्या, मैंने डिसाइड किया कि मैं उठाऊँगा आवाज़। मुझे पता है लोग कितने बुरे हैं, कितने इन्होंने कांड किया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई एक रैंडम ऐस लड़की आ जाएगी तो तुम उसकी बात मान लोगे बिना किसी एविडेंस के, वो भी। सो या आई डोंट केयर, वेदांत रस्टी फिंग और अजूज को उसको सपोर्ट करना है अलॉन्ग विद सम अदर सेकंड टेंट क्रिएटर्स, क्योंकि भाई ग्रुपिज्म तो एग्जिस्ट करता है और ये कुछ ज़्यादा ही हो गया है, बहुत एक्सट्रीम लेवल का हो गया। भले मैं छोटा चैनल या कबाड़ हूँ कुछ भी, ये लड़की हमें इतनी गंदी तरह से मैनिपुलेट कर रही है, कुछ लोग हो चुके हैं, आई फील सॉरी फॉर देम, क्योंकि मैं उनसे आर्ग्यू करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करने वाला। तो तैयार हूँ मैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। Where am I going now? Just falling over dreams. Now I'm just so far gone, this isn't what it seems. Taking me so damn long and fading from belief. I need to slow this down, it's burning from beneath. So our story begins in the year 2017, in the month of August, when BBJ, or Bakchod Babaji, made a roast video on Mallika's funny skit titled "How Indians Sing Despacito." इसके बाद उन दोनों की Instagram पे बात होती है और वहीं पे बात ख़त्म हो जाती है। फिर मलिका के कुछ सब्सक्राइबर्स उसे जाके बोलते हैं कि उन्हें ये वीडियो ऑफेंसिव लगी, और फिर से जाके चेक करती है वीडियो को, और उनकी बातों में आके उसको वीडियो ऑफेंसिव लग जाती है। लोगों के मैसेजेस आए, लोगों ने बोला भाई उससे वीडियो डिलीट करवा, तो मैंने वापस वीडियो देखा, फिर मुझे लगा लोगों को ऑफेंडिंग लग रहा होगा ये, एंड टू सम एक्सटेंट मुझे भी ऑफेंडिंग लगा। मलिका बीबीजे को इंस्टाग्राम पे डीएम करती है वीडियो रिमूव करने के लिए, 2 दिन तक मैसेज का रिप्लाई नहीं आता तो वो वीडियो पे स्ट्राइक मार देती है। थोड़ी बहुत और कॉन्वर्जेशन होती है इंस्टाग्राम पे, और फिर मलिका स्ट्राइक हटा देती है ऑन द कंडीशन कि बीबीजे उसके बारे में किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बात नहीं करेगा। लेकिन फिर बीबीजे एक और वीडियो बनाते हैं जो तो मलिका के दोगलेपन को एक्सपोज करते हैं, और इंस्टाग्राम पे उसे रिचार्ज करते हैं, उसे बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मलिका उससे बात करने के लिए बिल्कुल साफ साफ इनकार कर देती है और किसी और बंदे से उसे बात करने के लिए बोलती है। मलिका उस दोनों वीडियोस पे स्ट्राइक मार देती है, इसी वजह से उसका चैनल खतरे में आ जाता है। तो फिर उसे एक पिटीशन निकालना पड़ता है, इसमें उसके सब्सक्राइबर्स साइन करते हैं ताकि उसका चैनल यूट्यूब रिकंसिडर करके बचा ले। किसी तरह उसका चैनल बच जाता है,
और सब खुशी मना रहे होते हैं। उसी को फॉलो अप करते हुए मलिका एक पोस्ट डालती है इंस्टाग्राम पे, जिसमें वो खुद को इनोसेंट दिखाने की कोशिश करती है, बट अफसोस दैट डजंट वर्क आउट। फास्ट फॉरवर्ड टू सितंबर, जब कॉन्ट्रोवर्सी एकदम अपने क्लाइमैक्स पे पहुंच चुका था, जब बीबीजे का चैनल खतरे में था, उसी दौरान उसके दोस्त गरीब, फाइनेंस ट्रेंड और रोस्टिंग गुरु ने मलिका पे वीडियो बनाया था। उन्हीं सब पे कॉपीराइट स्ट्राइक डालने की धमकी दे रही थी वो, और कॉन्ट्रोवर्सी ख़त्म होने का नाम ले रहा था। उसी के लिए उसको बहुत बैकलैश मिल रहा था। तो बैकलैश से बचने के लिए मलिका ट्राइड अ वेरी नैस्टी ट्रिक। शी लाइड अबाउट डोनेटिंग हर हेयर टू कैंसर पेशेंट्स, और कैसे उसने अपने बर्थडे के दिन गरीबों को खाना बांटा था। आज मलिका ने एक वीडियो अपलोड किया, वी नीड टू टॉक। ये है कि मेरे बाल लड़कियों जैसे नहीं है। मैंने मेरे बाल यहाँ से लेकर तीन साइड से टकला होते हुए कटाए। मैंने मेरे बाल एक अच्छे रीजन के लिए कटवाए थे। मेरे सारे कटे हुए बाल मैंने कैंसर केयर में डोनेट किए थे, बट तुम में से किसी को उसके बारे में फर्क नहीं पड़ता है। तुम्हें तो सिर्फ गालियाँ देने आती और बंदे को जज करना आता उसके बालों से। मैंने मेरी यूट्यूब की पहली अर्निंग से गरीबों में जाके खाना बांटा था। उसके बाद जब मैंने फुटबॉल के मैचेस खेल के जो पैसे कमाए थे, वो पैसों से मैंने कपड़े खरीदे थे और शॉल खरीदे थे और वो गरीबों में दिए थे। अभी तक मेरा कोई ऐसा बर्थडे नहीं गया है जिसमें मैंने स्पेशल केयर फाउंडेशन में पैसे डोनेट नहीं किए हों। और जहाँ तक बात आ रही है हेट की, मैं तुम लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि ये जितनी भी नेगेटिविटी और हेट तुम लोग स्प्रेड कर रहे हो, वो प्लीज़ करना बंद कर दो, क्योंकि तुम लोगों को नहीं पता है कि तुम जितनी भी चीज़ें कहते हो वो दूसरों को कितनी हर्ट होती हैं। बट मैं तुम लोगों को ये बताना चाहूँगी कि इतने सारे हेट से कोई भी बंदा बिल्कुल भी डील नहीं कर सकता है। देयर इज अ लिमिट एंड इट्स बीन क्रॉस्ड। प्लीज़ बेसिकली ट्राइंग टू गेन सिंपैथी यूजिंग अ चीप ट्रिक। अपने अच्छे कर्मों के बारे में बताओ। Neon man pointed out ki the real reason why she cut her hair was because I was tired and sick of my hair. So on the 5th of February 2017, I decided that I wanted to get my hair cut. I set off from my house with some money and the feeling of hate towards my hair. I realized that it was time for something new. It was time for change. You see my hair in these videos? I don't like them at all. Gari pointed out that she cut her hair because she wanted to play football with ease. ये इसीलिए किया क्योंकि मैं मेरे बालों से तंग आ गई थी, मेरे सर में दर्द हो रहा था, तो मैंने मेरे बाल कटवा दिए और मुझे फुटबॉल खेलने में बड़ी आसानी होती है। लिटरली मेरे को बाल कटने से डर नहीं था, मुझे मम्मी पापा मारेंगे उस पर बैठे। आपको ये बाल काटने की इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? सही बताऊँ तो जस्टिन बीबर से मिली थी यार, बट तनी चलता है ना यार, तू थोड़ा तो होता है यार, तो बच्चे पागल हो जाते हैं। और रोस्टिंग गुरु, व्हाट अ फकिंग स्टूपिड मैन, उसने हेयर ट्रांसप्लांट को बीच में घुसा दिया। मैं बताता हूँ एक्चुअल में कैंसर पेशेंट्स को कैसे बाल डोनेट करते हैं। अगर तुम्हारे लंबे बाल है तो तुम उसके एक चोटी बनाओ, उस चोटी को काट दो और अपने नियरेस्ट कैंसर केयर फाउंडेशन में जाकर उसे डोनेट कर दो। एज सिंपल एज दैट। फिर होना क्या था, जिनके साथ भी लफड़ा हुआ था उन क्रिएटर्स ने इसको एड्रेस करना ही बंद कर दिया, अपने काम में व्यस्त हो गए। ये लड़की बोर्ड एग्जाम देने के लिए चली गई, लेकिन फिर वहाँ उसके मेन चैनल पे वीडियोस आना बंद हो गया और ये लड़की अपने ब्लॉग चैनल को कंटिन्यू करने लग गई। सब लोग इस कंट्रोवर्सी को भूल गए। तो इन सब को देखते हुए मेरा ओपिनियन क्या है कि अगर इसने एक अपॉलजी वीडियो बनाई होती और एक्सेप्ट किया होता कि ये गलत थी, तो जितने भी इसको बैकलैश मिली है और जो लड़ाई वड़ाई सब हुई है, सब अवॉइड हो सकता था। बट इसकी ईगो सेटिस्फाई नहीं हुई, सो देयर इज़ नो पॉइंट। फाइनली वी हैव अराइव्ड एट द मोस्ट फन पार्ट ऑफ द वीडियो, एंड बिफोर आई फकिंग डिच दिस सीरियस बैकग्राउंड म्यूजिक, आई जस्ट वुड लाइक टू टेल यू ऑल दैट her first podcast was with Ping, the second one being Vedant. पर पता है क्या, पहले वेदांत वाले से शुरू करेंगे क्योंकि Ping वाला एक अलग ही टॉपिक है। सो बंद करो सीरियस बैकग्राउंड म्यूजिक को और शुरू करते हैं। So what happened was that
जैसे देखो अभी पता है, इफ यू वांट टू गेट व्यूज यू मेक अ वीडियो ऑन अ ट्रेंड दैट्स गोइंग ऑन राइट नाउ, यू गोना गेट व्यूज, इजी इज दैट. तो एक पॉइंट पे क्या हुआ कि मैंने सोचा, मेरे को पता नहीं था क्या था ये रोस्टिंग, क्या चल रहा था. मैं कॉमेडी अपने में बना रही थी वीडियोज. सो आई मेड अ वीडियो ऑन ढिंचैक पूजा. ओवर नाइट आई गॉट सो मेनी व्यूज कि मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था क्या हो रहा है. क्योंकि वेन यू आर यूज टू सीइंग 200-300 व्यूज ऑन योर चैनल एंड सडनली एक दिन में ऐसे 20,000-40,000 आए जा रहे हैं, तो दिमाग खराब हो जाता है. दैट्स वेन आई बिकेम लाइक मलिका एंड कॉमेंट सेक्शन भर गया था कैरी की बहन, और मुझे पता भी नहीं कैरी है कौन. पता नहीं सब बोले जा रहे हैं कॉमेडी वीडियोज. यस यार राइट, कॉमेडी वीडियोज. इसकी कॉमेडी वीडियोज पुरानी वीडियोज है अपनी डिलीट करके रखी है, जिसमें इसकी भाई बहुत एपिक कॉमेडी करती है ये. एक एविडेंस दिखा देता हूँ. आई फाउंड वाइल रिसर्चिंग एंड डिगिंग अराउंड दिस टॉपिक, हेड गोज. भौंक चूती है क्या है? अच्छा बता, अगर एक लड़की की ब्रा पे लिखा है 93.5 रेड एफएम, तो बता उसकी पैंटी पे क्या लिखा होगा? भैंचोद क्या है? अरे बता नहीं यार, उसकी पैंटी पर क्या लिखा होगा? अबे मेरे को नहीं पता यार, बताऊं क्या? माधर चोद साले बता, वरना निकल यहाँ से. अरे देख, अगर लड़की की ब्रा पर लिखा है 93.5 रेड एफएम, तो उसकी पैंटी पर लिखा होगा बजाते रहो साले, चप्पल लेके मारूंगी भग भोजड़ी के ऊपर. रोस्ट वाली वीडियो तो या इट वाज अ रोस्ट वीडियो व्हिच वाज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंस्पायर्ड बाय कैरी मिनाटी. क्योंकि देखो, उसी ने पहले रोस्ट किया था ढिंचक पूजा को, और उसको देख के भाई बाकी लोग रोस्टिंग में आए. लेकिन तब यार 2 मिनट के लिए भाई मैंने मान लिया, चल मैंने मान लिया, इसको नहीं पता था कैरी मिनाटी कौन था. एक पॉइंट मैं यहाँ पे ऐड ऑन करना चाहता हूँ, शायद यहाँ पे फिट होगा अच्छे से कि नहीं, लेकिन ये लड़की अपने कुछ वीडियोज में कैरी मिनाटी से रिलेटेड टैग्स यूज करती थी. एंड गरीब एंड ऑल दीस पीपल स्टार्टेड मेकिंग वीडियोज अबाउट मी, एंड दैट्स व्हेन थिंग्स स्टार्टेड टेकिंग अ थोड़ा सा डिफरेंट सा टर्न. तो ऐसे एलिगेशंस थे कि मैं 25 साल की हूँ, मैं दूसरों की वीडियोस पे स्ट्राइक्स डाल रही हूँ. तो अब मैं यार इसके बारे में ये नहीं बोलूँ कि मैंने कुछ नहीं किया था, एंड लाइक मैं अपनी साइड बतान नहीं चाहती, बिकॉज आई डोंट वांट टू गेट बैक इनटू लाइक एवरीथिंग अगेन. ओह माय जॉली गुडनेस, वुड यू नॉट लुक एट दैट, डोंट वांट टू टेल योर साइड ऑफ द स्टोरी बिकॉज यू नो यू डोंट हैव एनी फैक्ट्स टू प्रूव योर ओन साइड. और रही बात भाई एलिगेशन की, यार अभी तो आगे चल के कवर होगा भाई. रस्टी को तो तूने भाई झूठ बोल के भाई अपने साइड कर लिया, लेकिन भाई मुझे नहीं कर पाओगे. द फैक्ट दैट पीपल आर स्टिल सपोर्टिंग हर इवन दो शी हैज नो फैक्ट्स टू बैक अप हर क्लेम्स की शी वाज द विक्टिम बैक देन इज इट्स क्वाइट डिप्रेसिंग एक्चुअली. या क्योंकि लाइक तब भी मैंने अपने आप को एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी कि भाई ये तुम्हें थोड़ा सा ना सही चीजें नहीं बोल रहे हैं, स्प्रेडिंग रूमर्स एंड स्टफ. No, you did not even try to explain anything properly. All you tried was manipulating people and brainwashing them. Just like now. अभी भी तुम वही कर रही हो. और रही बात rumors की भाई, तो BBJ की वीडियो पे तूने स्ट्राइक मारा, वो एक रूमर नहीं था. फाइनल स्टैंड को तुम स्ट्राइक देने की धमकी दे रही थी, वो भी एक रूमर नहीं था. और रही बात मिया खलीफा का टैग ना, तो भाई तूने ही ऐड शुरू की थी. अगर तूने उस दिन बोला होता ना मैं मिया खलीफा की तरह नहीं दिखती हूँ, सब कुछ रुक जाता. लेकिन नहीं, तेरे को तो भाई गंदी सी हाइप बना के रखनी थी अपने अराउंड, अब खुद विक्टिम कार्ड प्ले कर रही हो. थोड़ी और टाइम बाद मैंने रियलाइज किया कि यार थोड़ी बहुत तो मैं दिखती हूं इसके जैसी. सो दीस पीपल आर मेकिंग क्लेम्स एंड दे डोंट हैव फैक्ट्स टू प्रूव इट. ओह माय गॉड, हाउ आयरोनिक. दैट्स व्हाट यू आर डूइंग हियर राइट नाउ, मेकिंग क्लेम्स कि इन्होंने मेरे को गाली दी. फिंक की वीडियो में बोल रही हो कि इन्होंने मुझे रंडी बोला, मियां खलीफा का टैग लगा दिया मेरे ऊपर भाई, ये वो डलाना फंकाना. वेरी नाइस. दे वर टेलिंग पीपल कि आई एम 25 इयर्स ओल्ड बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि माय फेसबुक डेट ऑफ बर्थ वाज 1996 की कुछ ऐसा, आई डोंट नो. एक्चुअली इट वाज 4 अक्टूबर 1995. और अगर तुम फेसबुक पे फेक डेट ऑफ बर्थ डालोगी तो लोग तो कंफ्यूजिंग है ना ऑब्वियसली. और तूने रिस्पोंड भी किया, तो तेरा रिस्पांस वेंट समथिंग लाइक दिस. एक्सपोज किया है, एक्सपोज से इनका मतलब है कि मेरी असली उम्र 22 साल है. तो मैं अगर इन लोगों की वीडियो देख के सीरियसली विश्वास हो गया कि मैं 22 साल की हूँ, तो मतलब मेरा बर्थ सर्टिफिकेट, आधार कार्ड सब हलवा करने के लिए बना था.
ये लोग कह रहे थे कि इनके पास असली प्रूफ है कि मेरी उम्र 22 साल की है। तो मैंने सोचा चलो देखते हैं क्या है इनके पास प्रूफ। तो पता पड़ा कि इनके पास प्रूफ है कि मेरी फेसबुक आईडी में मेरी बर्थ डेट October 4, 1995 है, और इससे इनको लगता है कि मेरी उम्र 22 साल की है। तुम लोग ने अपनी जिंदगी में कभी फेसबुक पे फेक बर्थ डेट नहीं दी क्या? और झूठ तो बोलना मत यार, सब करते हैं ऐसा। That's when people started claiming कि मैं उनके चैनल पे स्ट्राइक्स डाल रही हूँ, बट रियलिटी में वो कम्युनिटी स्ट्राइक्स थी। तो वो कह रहे थे कि मैं कम्युनिटी स्ट्राइक्स दे रही हूँ। अब यूट्यूब मेरे चाचा को तो है नहीं कि मैं कम्युनिटी स्ट्राइक दे रही हूँ उनको। Actually, nobody said that कि तुमने community strike दिया। The only said that you gave them a copyright strike क्योंकि तुम उनकी वीडियो देख के offend हो रही थी। मैं यहाँ पे मेरे को admit करना पड़ेगा कि मेरे पास सिर्फ screenshots है जिसमें लोगों को धमकी दे रही है strike देने की। And then the worst part about all of this is कि like they were calling me like trans and stuff. It was weird. मतलब okay, being trans ऐसे कोई गलत बात नहीं है। But when you are addressing somebody ऐसे करके कि for somebody they're not, ऐसे छक्का बोलना ये offensive होता है भाई। And it wasn't even like humor, they were like blaming me or some shit. तेरी एक वीडियो थी योर गाय होल्डर के साथ डिस्ट्रैक्ट वाली, तूने नुमान खान को उसमें छक्का बोला था। साले तू एक नंबर का नल्ला, तूने खाया क्रीम रोल, छक्के जरा झूठ ना बोल। नुमान खान को छक्का बोलना सही था हैं? मतलब उसके लिए कभी सोचा नहीं कि भाई उसको बुरा लग जाएगा, ऑफेंड हो जाएगा? ना ना ना, तेरे को तो मजे करने हैं भाई। सब बोल रहे छक्का उसको, तो तू भी बोल छक्का। और जब तेरे को कोई छक्का भी ना बोले तो उन पे भाई एलिगेशन लगा तो भाई लोग तो मान जाएंगे यार, क्या करे यार 2021 से। इसी के साथ वेदांत दृष्टि की इस वाली वीडियो पे मेरा बकर बकर समाप्त। अब देखो ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोग इसकी स्टोरी पे यकीन करते हैं, बहुत से हैं ऐसे जो कर रहे होंगे फेक फेमिनिज्म के नाम पे, क्योंकि उनको एक्चुअल में स्टोरी पता नहीं होगी। और मैं उनको ब्लेम नहीं कर सकता, जब से ये जो टॉक्सिक क्रिएटर्स है उनको क्या कहते हैं एक्सपोज किया गया उनके गलत कामों की वजह से, तो एक थोड़ा सा एटमोसफेयर बन चुका है कि हाँ उन्होंने गलत किया है तो वो गलत लोग है। उसी के ऊपर ये लड़की कैपिटलाइज कर रही है, बेसिकली उन पर फॉल्स एक्विजिशन लगा रही है और लोग यकीन कर रहे हैं। जो लोग नहीं मान रहे तुम इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके देख सकते हो कि कितनों को पता है कि एक्चुअल में सच नहीं बोल रही है। बट प्रॉब्लम यह है कि इनकी आवाज़ कोई नहीं बनने वाला, कोई क्रिएटर इनका साथ नहीं देने वाला, और लोग ऐसे ही भाई ओब्लिवियन में खो जाएंगे। तो पता है मैंने सोचा मैं करूँगा लाइक आई सेड इन द बिगिनिंग, चाहे कुछ भी हो जाए, भले ही आज से 10 साल बाद मैं यूट्यूब पे हूँ या ना हूँ, कोई बंदा ये नहीं बोलेगा कि इस पे किसी ने आवाज़ नहीं उठाई थी। अब अगला फिंक की वीडियो होगी और ज्यूस की, जिनका नाम भाई लोग बहुत खुशी से ले रहे हैं। आई एम हेयर आफ्टर फिंक्स वीडियो, आई एम हेयर आफ्टर ज्यूस वीडियो। सो या वीडियो तो लेट आएगी एज ऑलवेज बिकॉज आई एम अ लेट लतीफ़। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। Peace.